दोस्तों सिर्फ एक पीपल का पत्ता आपको बना सकता है अरबों खरबों का मालिक, जाने कैसे। आज हम इसी के बारे में बातचीत आपसे करेंगे। दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मौजूद हैं जो हमारे भाग्य के सितारों को चमका सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम मन ही मन अमीर बनने की चाह पाल रखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह एक पत्ता आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या कहना ज्यादा नहीं होगा कि इस पत्ते के उपाय करने से आप रातों रात लखपति बन सकते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की पूजा सर्वोत्तम बताई गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की नियमित पूजा करनी चाहिए। इसके लिए पीले रंग की वस्तु चढ़ाएं। पाया गया है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर अमीर बनना है तो भगवान विष्णु को पीले फूल तथा पीले फल का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिन लोगों को धनवान बनने की चाहत है पीपल के पत्ते का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए एक पीपल का पत्ता ले जाएं, उसे गंगा जल से धोएं, उसके पश्चात पीपल के पत्ते में पीले रंग के चंदन से कनिष्ठा उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद इस पत्ते को घर के मंदिर में रखें, दीप जलाएं, पूजा करें। गुरुवार के दिन 41 बार ओम नमो भगवते श्री विष्णु रूपाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे यह पीपल का पत्ता सिद्ध हो जाएगा। इसे ही पक्का सिद्ध हो जाए इसे अपने दरवाजे के बाईं ओर ईशान कोण में भूमि के अंदर गमले में गाड़ दे। ऐसा करने से धन लाभ होगा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने से इस तरह के उपाय अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।